Hello everyone, welcome to Prelim's Primer Weekly News Analysis by AptiPlus Academy for Civil Services. Firstly, congratulations to all the successful candidates of AptiPlus Academy for Civil Services for their selection in UPSC 2021. It is indeed a proud moment for AptiPlus Academy as the legacy of success continues with 45 plus selections in UPSC CSE 2021. So congratulations to all the toppers. Today's topic is Chlorpyrifos. रिसेंटली स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत पीओपी या परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट रिव्यू कमेटी की मीटिंग थी इस मीटिंग में पांच और केमिकल्स को एड किया गया सबसे पहले समझते हैं POPs या परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट पीओपीज जो है इन्हें फॉर केमिकल्स भी कहते हैं ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एनवायरनमेंट में डिग्रेड नहीं करते हैं किसी भी तरीके से बायोलॉजिकली केमिकली या फोटोलाइटिकली बायोलॉजिकली हमें पता है ऐसे कई सारी सब्सटेंसेस होते हैं जिन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक्ट करते हैं और वो डिग्रेड कर जाते हैं ब्रेक डाउन कर जाते हैं इन्वायरमेंट में सिमिलरली केमिकली और फिर फोटोलाइटिकली मतलब सनलाइट जब पड़ता है उस सब्सटेंस के ऊपर तो वो ब्रेक डाउन कर जाता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली पी जो हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस नहीं होते हैं ये किसी भी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं करते हैं और इंटैक्ट रह जाते हैं एनवायरनमेंट में एज ए रिजल्ट ये बहुत ज्यादा हजर्डस साबित होते हैं ह्यूमन हेल्थ एनिमल हेल्थ और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर काफी ज्यादा ये इफेक्ट डालते हैं तो इसी को मद्देनजर रखते हुए 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है उसके तहत ये डिसाइड किया गया कि पीओपी की प्रोडक्शन को इसकी यूसेज को हम रिड्यूस करेंगे और धीरे धीरे एलिमिनेट कर देंगे स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है ये एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ट्रीटी है जिसका एम है एज अर्लियर पीओपीस की प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट करना एलिमिनेट करना और इसकी यूज को भी बंद करना क्योंकि इसका काफी ज्यादा इफेक्ट होता है हेल्थ पे पहले कई सारी केमिकल्स को डाला गया है स्टॉकहोम कन्वेंशन के पीओपी के लिस्ट में फॉर एग्जाम्पल डीडीटी एक पेस्टिसाइड है सिमिलरली पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल ये एक इंडस्ट्रियल केमिकल है फिर है डायऑक्सिन फ्यूरन ये बाय प्रोडक्ट्स हैं मतलब जब पेपर पल्प से पेपर प्रोडक्शन होता है या फिर uh, दूसरी जो केमिकल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो एज अ बाई प्रोडक्ट ये सारी uh, जो केमिकल्स हैं वो निकलती हैं प्योरा एंड डाइऑक्सिन एसेट्रा तो इन सब चीज़ों को पहले ही डाला गया है ये सब चीज़ें अगर एन्वायरमेंट में एक्सपोज हो जाती हैं तो ये धीरे धीरे अक्यूमुलेट करने लगती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर फैटी टिश्यूज़ के अंदर वो ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स और एज ए रिजल्ट काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज फिर देखने को मिलते हैं तो इसी को रोकने के लिए अभी रिसेंटली जो लिस्ट में कुछ नए केमिकल्स डाले गए हैं उसमें है क्लोर पायरीफोस क्लोर पायरीफोस दूसरा है डी प्लस डी प्लस तीसरा है यू वी थ्री ट्वेंटी एट यहां पर हम मेनली बात करेंगे क्लोर पायरीफोस की क्योंकि मीटिंग में जब ये डिसाइड किया गया कि क्लोर पायरिफोस को पीओपी लिस्ट में डाला जाएगा तो इंडिया ने रेजिस्ट किया क्लोर पायरिफोस जो है इसे बेसिकली एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम दी वर्म्स इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स इसे एनिमल्स और बिल्डिंग्स में भी यूज किया जाता है इन सब सेटिंग्स में जब पेस्ट हो जाते हैं तब क्लोर पायरिफोस जो है ये पेस्ट की नर्वस सिस्टम को अटैक करता है लेकिन क्लोर पैरिफोर्स जो है इसे कहा गया है कि ये मॉडरेटली ये हजारडस है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है यूएस ने इसे बैन करके रखा है और यूरोपियन यूनियन ने भी इसे अपनी सारी जो कंट्रीज हैं उसमें बैन करके रखा है इनफैक्ट स्टॉक होम कन्वेंशन के तहत पीओपी लिस्ट में इसे डाल देना चाहिए इसका प्रपोजल भी यूरोपियन यूनियन ने ही डाला था लेकिन इंडिया इसे रेजिस्ट कर रहा है क्यों इंडिया का क्या मानना है इंडिया का ये मानना है स्पेशली जो एंड फॉर्मुलेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उनका यह मानना है कि जो क्लोरपायरिफोस है ये कार्सिनोजेनिक नहीं है कैंसर कॉजिंग नहीं है आ, और इसीलिए इसे इस लिस्ट में नहीं डालना चाहिए पीओपी पी के लिस्ट में इस एसोसिएशन ने ऐसा भी कहा है कि क्लोर के जब हम कम कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता और प्रपोजल जो डाली गई है उसके लिए जो भी स्टडीज प्रेजेंट किए गए हैं वो पीयर रिव्यूड नहीं है मतलब जो दूसरे साइंटिस्ट हैं दूसरे जो पीयर्स हैं उन्होंने इसे रिव्यू नहीं किया है ऐसा मानना है इस एसोसिएशन का दूसरा एक केमिकल था डी प्लस ये एक फ्लेम रिटार्डेंट है आ, इसे भी इंडिया ने अपोज किया है कि इसको नहीं डालना चाहिए पीओपी पी के लिस्ट में ऐसा इंडिया ने कहा है क्लोर पायरीफोज पे अगर हम वापस आए तो ये बेसिकली इसे रजिस्टर किया गया था अंडर द इंसेक्टिसाइड एक्ट ऑफ 1968 फिर अनुपम वर्मा कमेटी ने ये रेकमेंड किया कि क्लोर पायरीफोज की यूज को कंटिन्यू किया जाना चाहिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि इंडिया और चाइना जो है ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है क्लोर पायरीफोज की इंडिया जो है वो 48% एट परसेंट ऑफ द्लोर पायरिफोज को प्रोड्यूस करता है इज टू टन्स इसमें से काफी सारा अमाउंट जो है वो एक्सपोर्ट हो जाता है कुछ स्टॉक पाइल किया जाता है बाकी कंट्री में ही यूज हो जाता है क्लोर पायरिफोस जो है दो हजार इक्कीस में इसे अप्रूव किया गया फॉर एग्रीकल्चरल यूज और अभी बेंगोल ग्राम राइस कॉटन इन्हें जो पेस्ट अटैक करते हैं इन पेस्ट से जूझने के लिए इस पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है देश के अंदर ही कॉन्ट्रोडिक्शंस कई सारे हैं लेकिन 2022 में ही अगस्त के महीने में पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट ने क्लोर के यूज को बैन कर दिया तो देश में ही कई सारी ऐसी अलग अलग गवर्नमेंट है एसोसिएशन है जो डिवाइडेड है अपनी ओपिनियन पे दूसरा कंसर्न ये है कि क्लोर को जिन जिन क्रॉप्स के लिए अप्रूव किया गया है अट्ठारह क्रॉप्स है टोटल उससे ज्यादा मतलब तेईस क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है ऐसा एक रिपोर्ट लास्ट रिपोर्ट में पाया गया इंडिया का ये व्यू कि क्लोर पैरिफूस को पीओपी लिस्ट में नहीं डालना चाहिए इसे एक्सपर्ट कमिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया और कई सारी रेजिस्टेंस भी आई 2020 तक की अगर हम बात करें तो 31 केमिकल्स को स्टॉक होम कन्वेंशन ने लिस्ट किया है एज uh, पीओपी और uh, इस लिस्ट एक्सपेंशन की ही जो है वो चांसेस हैं क्योंकि एविडेंस अभी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हजारडस केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स के वजह से हेल्थ बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लोग मर रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरियस डिजीजेस पेस्टिसाइड पॉइजनिंग जो है ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इश्यू अभी बन चुका है अक्यूट पेस्टिसाइड पॉइजनिंग स्पेशली इन कंट्रीज लाइक इंडिया बांग्लादेश जहां पे फार्मर्स एजुकेटेड नहीं होते हैं उनको ये अंदाज़ा नहीं होता है कितना पेस्टिसाइड यूज करना चाहिए कितने कितना इंसेक्टिसाइड यूज करना चाहिए नॉट ओनली दैट प्रॉपर प्रिकॉशन ये नहीं लेते हैं कि पूरे माउथ को हैंड्स को कवर करके ये इसका यूज करें इन्हें लगता है कि अगर हम ज़्यादा यूज करेंगे तो Uh, ज़्यादा पेस्ट्स जो है वो अटैक नहीं करेंगे तो प्रोपोर्शन की भी यहाँ पे दिक्कत आ जाती है सॉयल हेल्थ कार्ड से लेके कई सारी इनिशिएटिव्स सा अभी लाई जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा लेकिन इसके बाद भी इशू जो है वो परसिस्टेंट है अन इंटेंशनल अक्यूट पेस्टिसाइड पॉइजनिंग होता है कई सारे uh, फार्मर्स का जो भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं दूसरी इंडस्ट्रीज में भी हैं जहाँ पे इन सब केमिकल्स का यूज़ किया जाता है ऐसा अंदाजा है कि हर साल ग्यारह डेथ्स होते हैं बिकॉज ऑफ दिस पेस्टिसाइड पॉइजनिंग पहला तो ये इशू है इसीलिए इंडिया का रेजिस्टेंस जो है इंडिया नहीं हम पूरे इंडिया नहीं बोल सकते जो एसोसिएशन है पेस्टिसाइड एसोसिएशन उसका ही ये रेजिस्टेंस रहा था तो ये काफी ज्यादा सपोर्ट में नहीं आना ही इसका आ, स्वाभाविक है क्योंकि अभी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो इन हजार केमिकल्स का यूज होना कम होना चाहिए इनफैक्ट बंद हो जाना चाहिए ताकि ह्यूमन हेल्थ और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के हेल्थ के ऊपर जो इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस हार्मफुल सब्सटेंसेस वो ना हो हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ें जहां पे एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की वजह से आज हम देख रहे हैं पंजाब हरियाणा में क्या सिचुएशन है सॉइल फर्टिलिटी बहुत कम हो चुका है वाटर टेबल जो है वो नीचे जा रहा है तो सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर दूसरी सारी इनिशिएटिव अभी गवर्नमेंट ला रही हैं लेकिन इसके बाद भी फार्मर्स जो हैं वो अवेयर नहीं है प्रोपोर्शन कितना डा, डालना चाहिए ओवर यूज हो जाता है बिकॉज दे आर अनअवेयर और पेस्टिसाइड पॉइजनिंग का इशू भी है डेथ्स हो रहे हैं तो इन सभी uh, चीज़ों को देखते हुए हम देख सकते हैं कि इसके बस डाउन साइड्स ही हैं तो इसीलिए uh, इंडिया को भी इसका समर्थन करना चाहिए कि हम इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटी में जो भी डिसीशंस ली जा रही हैं धीरे धीरे इनको बैन करने की उसे हम समर्थन दें दूसरी चीज जो यहां पे पॉइंट आउट करना इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्लोर पैरिफोस अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में यूज ना करें तो कैंसर नहीं होता कार्सिनोजेनिक नहीं है ये, ये ऐसा कई स्टेक होल्डर्स का मानना है लेकिन स्टडीज के मुताबिक सिर्फ कैंसर ही नहीं दूसरी और भी ऐसी बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस न्यूरो डिजीजेस हैं एंड देयर कॉस्ट बिकॉज ऑफ द यूसेज ऑफ दीज केमिकल्स तो किसी भी तरीके से हम कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि इन केमिकल्स का यूज होना बंद होना चाहिए अगली टॉपिक है सिल्फियम सिल्फियम एक मेडिट्रेनियन मेडिसिनल प्लांट है जिसे माना जाता है कि ये क्योर है सब कुछ के लिए बट 2000 साल पहले मिस्टीरियसली ये वैनिश हो गया बट अभी रिसेंट स्टडीज का ऐसा मानना है कि इसे फिर से देखा जा रहा है इस्तानबुल यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर ने इस प्लांट की स्पीशीज को तीन जगहों पे लोकेट किया 2021 में टर्की के तीन जगहों पे और ऐसा देखा जा रहा है कि इन स्पीशीज का काफी ज्यादा रिजेम्बलेंस है विद द एंशियंट प्लांट सिल्फियम एंशियंट टाइम्स में सिल्फियम का यूज किया जाता था स्पाइसेस परफ्यूम मेडिसिन इन्हें बनाने के लिए इसके अलावा एक्सपोर्ट इकोनॉमी में भी इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी क्योंकि रोमन कॉलोनी फिर ग्रीक इन सब लिबिया यहां पे एक्सपोर्ट होता था इन सब जगहों से यहाँ पे हम एक कॉइन देख सकते हैं राइट साइड में सिल्फियम प्लांट जो है इसे यहाँ पे इंग्रेफ किया गया है तो पहले के जमाने में इसे ग्रीस और रोमन कॉलोनी के द्वारा यूज किया जाता था सिल्फियम को कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता था फॉर एग्जाम्पल गोइटर साइटिका पेन नर्व पेन जो होता है टू थिक, इंटेस्टेनल डिसऑर्डर्स हॉर्मोनल डिसऑर्डर्स एपिलेप्सी, टिटेनस पॉलिप्स मैलिग्नेंट ट्यूमर्स इन सब चीजों को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता था इसके अलावा इस प्लांट की जो स्टॉक्स हैं जो रूट्स हैं इन्हें भी कंज्यूम किया जाता था लेंटिल्स जो हैं मतलब पल्सिस एनऑल इन सब चीजों को प्रिजर्व करने के लिए भी इस प्लांट का यूज किया जाता था तो काफी डाइवर्स यूज थे इस प्लांट की इस प्लांट की इतनी सिग्निफिकेंस थी कि बहुत ज्यादा यूसेज होने लगा ओवर हार्वेस्टिंग जो है ये एक इसका कारण बन गया एक्सटिंक्शन के ऐसा रिसर्चर्स का मानना है तो ह्यूमन इंड्यूस्ड इन्वायरमेंटल चेंजेस ये भी एक और रीजन है जिसकी वजह से ये धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गया वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन डेजर्टिफिकेशन जो मॉडर्न डे लीबिया है वहां पर सारे जो किंगडम थी वहां पे बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ था धीरे धीरे वो डेजर्टिफिकेशन हो गया उस जगह की और सिल्फियम भी डिसपियर कर गया इन प्लांट्स की सीड जर्मिनेशन के लिए कोल्ड और मॉइस्ट कंडीशन की जरूरत पड़ती थी फेरूला ड्रुडीना फेरूला एसाफटिडा ये सारी ऐसी प्लांट्स जो हैं जिनका काफी ज्यादा रिजिबेंस है विथ सिल्फियम जिन जिन कंडीशंस में इन्वायरमेंटल कंडीशंस में ये जर्मिनेट करती हैं इसके अलावा इनके कंपाउंड्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी माइक्रोबायल एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं तो ये सारी जो चीजें हैं ये कंसिस्टेंट है विद हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ सेल्फियम इसे अगर हम अच्छे से ग्रो करते हैं तो ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होने वाला है अगली टॉपिक है महाकालेश्वर कॉरिडोर प्राइम मिनिस्टर मोदी महाकालेश्वर कॉरिडोर को इनोग्रेट करने वाले हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना ये एक प्लान है फॉर द एक्सपेंशन ब्यूटिफिकेशन डी कंजेस्ट ऑफ द महाकालेश्वर टेम्पल महाकालेश्वर टेम्पल मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है महाकालेश्वर टेम्पल जो है ये वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगर्स है हमें पता है इंडिया में बारह ज्योतिर्लिंगा है ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है महाकालेश्वर टेम्पल और शिप्रा नदी के पास ये स्थित है बारह ज्योतिर्लिंगर्स में महाकाल लिंगम सिर्फ एक ऐसा लिंगम है जो साउथ को फेस करता है साउथ डिरेक्शन में तो महाकालेश्वर टेंपल को पूरी तरीके से रेनोवेट करके एक्सपैंड किया गया है और जल्द ही प्राइम मिनिस्टर मोदी से इनोग्रेट करेंगे ज्योतिर्लिंग्स जो है ये बेसिकली डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को ये डिवोशनल रिप्रेजेंटेशन है लॉर्ड शिवा की इंडिया और नेपाल में टोटल 64 फोर ज्योतिर्लिंग्स हैं जिनमें से इंडिया में 12 जो ज्योतिर्लिंग है ये बहुत ज्यादा सीक्रेड है बारह जो ज्योतिर्लिंग इंडिया में जो काफी ज्यादा सीक्रेट माने जाते हैं उनमें हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग ये गुजरात में है सौराष्ट्र रीजन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जिसकी हमने बात की मध्य प्रदेश के उज्जैन में ओमकरेश्वर ज्योतिर्लिंगा जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्री में है वैजनाथ ये महाराष्ट्र के पर्ली में है केदारनाथ उत्तराखंड में नागेश्वर ये गुजरात में त्रिम्बकेश्वर, महाराष्ट्र के नासिक में भीमशंकर महाराष्ट्र के पुणे में रामेश्वर तमिलनाडु में गृहेश्वर ज्योतिर्लिंग ये औरंगाबाद में है और काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग ये उत्तर प्रदेश वाराणसी में है तो सोमनाथ महाकालेश्वर ओमकारेश्वर, मल्लिकार्जुन वैजनाथ केदारनाथ नागेश्वर त्रिंबकेश्वर भीमशंकर रामेश्वर गृहेश्वर और काशी विश्वनाथ ज्वेलिंग मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक वोराक टेक्निक अमेरिकन मेट्रोलॉजिस्ट वर्नन वोराक रिस वो पास अवे हो गए एट द एज ऑफ हंड्रेड वर्नन वोराक वो एक अमेरिकन uh, मिट्रोलॉजिस्ट थे और जिन्हें क्रेडिट दी जाती है फॉर डेवलपिंग दी वोराक टेक्निक इन दर्ली नाइनटीन सेवेंटीज वोराक टेक्निक से बेसिकली ट्रोपिकल स्टॉम जो है इन्हें प्रडिक्ट किया जाता है इन्हें फोरकास्ट किया जाता है वो टेक्निक को 1970s के बाद से कई बार अपग्रेड किया जा चुका है मल्टीपल टाइम्स रिसेंटली इस साल के मई में, में ही फिर से इसे एक बार अपग्रेड किया गया और अभी इसका नाम दिया गया है एडवांस्ड वोराक टेक्निक इस नाम को दिया है नेशनल हरिकेन सेंटर ऑफ द नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो टेक्निक है अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन मेट्रोलॉजिस्ट ये टेक्निक जो है ये इम्प्रूवड वर्जन है वोराक टेक्निक की जो और भी अच्छे से ट्रॉपिकल स्टॉम्स को फोरकास्ट कर पाएगा बिकॉज इसमें और भी शार्पर इमेजेस होंगे डिटेल्ड इमेजेस होंगे जो पहले नहीं थे समझते हैं पहले तो वोराक टेक्निक को जो पहले आ, डेवलप हुआ था इन द नाइनटीन सेवेंटीज वर्नन वोराक जी ने वोराक टेक्निक को सबसे पहले डेवलप किया था इंडिया 1969 स्टॉर्म्स को ऑब्जर्व करने के लिए इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन इस मैप में हम नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक जो बेसिन है यहाँ इस रीजन को देख सकते हैं तो यहीं पे जो स्टॉम्स तैयार होते थे इन स्टॉम्स को फोकास्ट करने के लिए प्रेडिक्ट करने के लिए इस टेक्निक को सबसे पहले डेवलप किया गया वोराक टेक्निक जो है ये बेसिकली एक क्लाउड पैटर्न रिक्निशन टेक्निक है बेसिकली फोकास्टर्स क्या करते थे जो अर्थ की पोल्स में ऑरबाइट करने वाली जो सैटेलाइट्स है पोलर सैटेलाइट्स इन सैटेलाइट्स द्वारा कैप्चर की जाने वाली जो इमेजेस हैं क्लाउड्स की इमेजेस इन इमेजेस को ये फोरकास्टर्स अच्छे से स्टडी करते थे एग्जामिन करते थे और उसके बाद इनके फीचर्स को कैटेगराइज करते थे कि कौन सी क्लाउड्स जो हैं वो अभी स्थित हैं जिसकी वजह से पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉम वो हरिकेन हो साइक्लोन हो या टाइफून हो वो डेवलप कर रहे हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे ये रिकग्निशन जो मॉडल है इसे एक टेक्निक में बदलने लगे क्लाउड पैटर्न रिकग्निशन टेक्निक इसमें एक ट्रोपिकल साइक्लोन जब डेवलप कर रहा है उस टाइम पे क्या फीचर्स हैं क्लाउड्स की और जब वो डीके कर रहा है उस टाइम पे क्लाउड्स की क्या फीचर्स हैं इन दोनों में जो डिफरेंस है इनकी क्या फीचर्स हैं इन्हीं के बेसिस पे ये फोरकास्ट की जाती है सिर्फ क्लाउड्स ही नहीं इस टेक्निक में स्टॉर्म की सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो भी ऑप्टेन की जाती है और उसके बाद पैटर्न को रिकग्नाइज किया जाता है और फोरकास्ट की जाती है इसमें स्टॉम का क्या स्ट्रक्चर है वो उसे ऑब्जर्व किया जाता है स्टॉम का आई कहाँ है इंटेंसिटी क्या है स्टॉम का ये सारा ही चीज़ें ये एस्टिमेट uh, की जाती है तो ये एक स्टेटिस्टिकल टेक्निक है जिसमें साइंटिस्ट्स क्या करते हैं साइक्लोन की क्लाउड पैटर्न जो है इसे स्टडी करते हैं और उसके साथ कनेक्ट करते हैं स्टॉर्म की कर्व्ड बैंड्स को उसका आई कहाँ है उसकी डेंस रीजन कहाँ है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कैसी है सब चीजों को एक साथ कनेक्ट करके ये फोरकास्ट करते हैं साइक्लोन की क्या इंटेंसिटी है इसे वोराक टेक्निक से बेस्ट वे में निकाला जा सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेदर वार्निंग्स में फिर इसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है लेकिन वोराक टेक्निक से विंड प्रेशर एयर प्रेशर इन सब चीजों का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता ये सारी मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स जो एसोसिएटेड होती हैं साइक्लोन के साथ इन्हें प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता अगली टॉपिक है ऑपरेशन मेघ चक्र रिसेंटली सीबीआई ने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसका नाम है मेघ चक्र इस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने 20 स्टेट्स में और एक यूनियन टेरिटरी में सर्च ऑपरेशन चलाई ताकि चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज मटीरियल जो शेयर की जाती है सर्क्यूलेट की जाती है इसे बंद किया जा सके इंटरपोल ने बेसिकली कुछ इनपुट्स दिए थे और उन्हें इनपुट्स के बेसिस पे ऑपरेशन मेक चक्र को कंडक्ट किया गया इन रेड्स के दौरान सीबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सीज किया है मोबाइल फोन लैपटॉप्स और दूसरी चीजों को सीज किया है फ्रॉम सस्पेक्ट्स इंटरनेट में चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज मटेरियल के अवेलेबिलिटी की वजह से बच्चों के ऊपर जो शोषण है वो बढ़ता है क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं तो सोसाइटी में इस परवर्जन को रोकने के लिए इस मानसिक विकार को रोकने के लिए सीबीआई और इंटरपोल ने ज्वाइन किया है एक साथ इन इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इनिशिएटिव इंटरपोल की ये एक इनिशिएटिव है इस इनिशिएटिव में दोनों ही सीबीआई और इंटरपोल ये कोलैबोरेट करेंगे इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिगेटर्स uh, जो हैं डिफरेंट कंट्रीज के वो एक साथ कोलैबोरेट करेंगे फॉर डिटेक्टिंग चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज ऑनलाइन इसके अलावा जो भी अब्यूजर्स हैं जो विक्टिम्स हैं इन्हें आइडेंटिफाई करना क्राइम सीन्स को आइडेंटिफाई करना ऑडियो विजुअल क्लिप्स इन सब चीजों को ट्रैक uh, डाउन करना यूजिंग स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर यही कोशिश की जा रही है इंडिया जो है ये सिक्सटी कंट्री है एट प्रेजेंट डेटा बेस को एक्सेस अभी इंडिया को मिल चुका है मतलब इस सॉफ्टवेयर का जिसे इंटरपोल यूज करती है इंटरपोल जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 195 मेंबर कंट्रीज हैं और इसकी हेडक्वार्टर्स है फ्रांस के लियोन में हर एक कंट्री जो है वो होस्ट करती है एक इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो जिसके साथ कनेक्ट की जाती है उस पर्टिकुलर कंट्री के नेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इंडिया की अगर हम बात करें तो सीबीआई जो है वो नोडल एजेंसी है इंटरपोल के साथ कनेक्ट करने के लिए बात करते हैं सीबीआई की सीबीआई को सेटअप किया गया था इंडिया 1963 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक रेजोल्यूशन के बाद और उसके बाद इसे ट्रांसफर कर दिया गया टू तो द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जिसे 1941 में इस्टेब्लिश किया गया था उसे मर्ज कर दिया गया फिर सीबीआई के साथ सीबीआई के एस्टेब्लिशमेंट को रेकमेंड किया था जिस कमेटी ने उस कमेटी का नाम है सांथानाम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962 से 64 तक ये कमेटी चली सीबीआई जो है वो नॉन स्टैचुटरी बॉडी है नॉन स्टैचुटरी बॉडी यानी किसी पर्टिकुलर लॉ को बना के इसे नहीं इस्टेब्लिश किया गया है इसकी जो पावर्स हैं वो आती है फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 सीबीआई जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड मेंटेनिंग इंटेग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल ये बात काफी ज्यादा डिबेटेड है क्योंकि सी जो है ऐसा कहा जाता है कि वो टूथलेस हो चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसे पपेट की तरह चला रही है तो ये एक आर्ग्यूमेंट यहां पे आ जाता है सीबीआई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या सीबीसी और लोकपाल इन दो बॉडीज को भी असिस्ट करती है सीबीआई करप्शन से जुड़े हुए क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करती है इसके अलावा इकोनॉमिक ऑफेंसेस सीरियस ऑर्गेनाइज क्राइम टेररिज्म इन सभी को इन्वेस्टिगेट करती है पर टेररिज्म के लिए 2008 के मुंबई टेरर अटैक के बाद से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का गठन किया गया मेनली फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ टेररिस्ट अटैक्स या फिर फंडिंग ऑफ टेररिज्म या अदर टेरर रिलेटेड क्राइम सीबीआई के हेड होते हैं डायरेक्टर और उन्हें असिस्ट करते हैं एक स्पेशल डायरेक्टर या फिर अडिशनल डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी ये कमिटी एक थ्री मेंबर कमेटी होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर रहते हैं एज अ चेयरपर्सन इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऐसे एक जज जिन्हें नॉमिनेट किया हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो ये तीनों मिलकर एक कमेटी बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर जो है चेयरपर्सन लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा सीजेआई या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय सीजेआई यही कमेटी फिर अपॉइंट कर, डिसाइड करती है रेकमेंड करती है कि सीबीआई के डायरेक्टर कौन होने चाहिए और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट कर देती है Moving to the next topic, Legal Metrology Laws. Recently, government ने Inspector Raj को खत्म करने के लिए Legal Metrology Rules जो hain, उसकी uh, provisions में amendments लाई hai. अब से जो ऑफिसर्स होंगे उनके पास ये पावर्स होंगी कि वो कंपनी के डायरेक्टर्स के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर सकते हैं इवन फॉर माइनर offences. फॉर example, वेट्स एंड मेजर्स से रिलेटेड हुए जो छोटे छोटे ऑफेंसेस होते हैं कंपनीज जो करती हैं इसके अगेंस्ट भी डायरेक्टली डायरेक्टर्स को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं ऑफिसर्स यही चेंजेस लाए गए हैं इन लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ऑफ़ ऑफकोर्स प्रमोट करेगी क्योंकि हमारी जो बिजनेस है वो प्रमोट होंगे नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस वर्ल्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स जाएंगे आ, किसी भी तरीके की चीटिंग या फिर जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें कोई गिरावट ना आए इसको इंश्योर करेगी ये रूल्स सबसे पहले देखते हैं लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 थाउजेंड नाइन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं उसकी जो वेट्स एंड मेजर्स हैं उसकी एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड standard हो स्टैंडर्डाइजेशन हो इसे प्रोवाइड करने के लिए 2009 में लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट को इन्फोर्स किया गया और उसके बाद 2011 में ये एक्ट इफेक्ट में आ गई ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वेट्स एंड मेजर्स की जो स्टैंडर्ड्स हैं इनकी जो एन्फोर्समेंट है इसे हर एक स्टेट की जो लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की डायरेक्टोरेट हैं उनके ऊपर दिया गया है हर एक बिजनेस जो है इज इम्पैक्टेड बाई द लॉज ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी अगर किसी भी प्रोडक्ट का सेल हो डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर ट्रांजैक्शन हो उसमें वेट मेजर और नंबर इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है और सभी एम्बिट में आ जाते हैं लॉज ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर ऑब्जेक्टिव है कि वेट्स एंड मेजर्स का जो स्टैंडर्ड जो है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी रहे एनफोर्समेंट हो हर एक का स्टैंडर्ड की और जो भी गुड्स मैन्युफैक्चरर सेल हो रहे हैं वेट्स एंड मेजर्स एंड नंबर्स के थ्रू वो रेगुलेटेड रहे इंडिया में जो भी मेट्रिक सिस्टम है मीटर किलोग्राम ये यूज हो ये रैशनलाइज हो अब लीगल मेट्रोलॉजी के कुछ पैकेजिंग रूल्स भी हैं 2011 के हम जो पैकेजिंग रूल्स हैं उन्हें देख लेते हैं सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है नोट करना कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 इसे एडमिनिस्टर करती है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू नोट ऑफ कोर्स कॉमर्स से रिलेटेड है तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ये एक्ट जो है ये प्रोवाइड करती है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स टू मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जा रहे हैं पूरे इंडिया में उन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की क्या स्टैंडर्ड होनी चाहिए उसे ये इंश्योर करती है कि पब्लिक गारंटी जो है वो इंश्योर हो जाए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ स्वीट्स एंड मेजरमेंट्स लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटीज रूल्स दो हजार इसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया एक तो है वेट्स एंड मेजर्स जो यूज किए जा रहे हैं उनकी गारंटी उनकी एक्यूरेसी दूसरा है जो कमोडिटीज मैन्युफैक्चर सेल हो रहे हैं उसमें जो डिटेल्स दी जा रही हैं कंज्यूमर्स की उसमें एक्यूरेसी उसमें किसी तरीके की चीटिंग ना हो उसको इंश्योर करना लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी रूल्स जो हैं वो प्री पैकेज कमोडिटीज जो हैं इंडिया में उसके ऊपर ये लागू होती हैं और मैंडेटरी है लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स मतलब लेबल पे कुछ चीजें मेंशन होना मैंडेटरी है इसके अंदर

तो बेस्ट बिफोर हमें पता है पैकेट में लिखा रहता है ये बाई यूज ऑफ डेट मंथ ईयर मेंशन करना मैंडेटरी है प्रोडक्ट पैकेज पे रिटेल सेल प्राइस पैकेज के ऊपर मेंशन करना मैंडेटरी है और ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस होनी चाहिए इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस प्राइस जो है वो इंडियन रुपीस और पैसे में मेंशन की जानी चाहिए और पैसा जो है वो राउंडेड ऑफ में हो, होना चाहिए नियरेस्ट रुपी के या फिर फिफ्टी पैसे यही जो है रूल है नई जो अमेंडमेंट हुई है वो अमेंडमेंट प्रोहिबिट करती है फॉर द प्रोविजन ऑफ ड्यूएल मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑन द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली कोई भी मैन्युफैक्चरर पैकर या फिर इम्पोर्टर कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो डिफरेंट डिफरेंट एमआरपी लगा रहा है सेम काइंड ऑफ आइडेंटिकल प्री पैकेज कमोडिटीज पे अनलेस एंड अनटिल उसने अलग से इसके लिए परमिशन ना ली हो मैंडेटरी डिक्लेरेशंस होने जरूरी है इसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स पैकर्स इम्पोर्टर्स जो है वो डिक्लेयर कर पाएंगे अब बारकोड बार कोड या फिर क्यू आर कोड उसको भी रख सकते हैं जी टी आई एन जीएसटी ई कोड नेट क्वालिटी एश्योरेंस कमोडिटी की गवर्नमेंट स्कीम की लोगो स्वच्छ भारत मिशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा अभी हमने देखा कुछ मेक इन इंडिया का भी जो है वो लोगो लगाते हैं अगर इंडिया में ओरिजिन है तो अगली टॉपिक है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने फॉर्मली इंडक्ट किया इंडिजिनसली डेवलप्ड मतलब इंडिया में ही डेवलप हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड ये एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये जो हेलीकॉप्टर है प्रचंड ये हाई ऑल्टीट्यूड बैटलफील्ड में ऑपरेट करने के लिए सूटेबल है और ये केपेबल है एनिमी के एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में ये लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन होगी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जिसमें 45 परसेंट ऑफ द हेलीकॉप्टर की जो पार्ट्स है कॉम्पोनेट्स है वो इंडिजिनस है मतलब इंडिया में ही उसके कॉम्पोनेट्स बने हुए हैं धीरे धीरे इसकी जो परसेंटेज है उसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है 55 परसेंट ऑफ दी जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में इसकी की जाएगी प्रचंड जो है ये वर्ल्ड की एकमात्र एक ऐसी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऑल्टीट्यूड में लैंड और टेक ऑफ दोनों कर सकती है और ऐसा नहीं है कि वो बस खाली हेलीकॉप्टर ही वो कंसिडरेबल लोड लेते हुए वेपन्स फ्यूल सब कुछ लेके ही 5000 मीटर की ऑल्टीट्यूड में लैंड और ऑफ दोनों कर सकती है ट्विन इंजन है इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की अगर हम बात करें तो 5.8 पॉइंट टन का वेट ये ले सकती है मैक्सिमम स्पीड है 268 सिक्स किलोमीटर्स पर आवर और रेंज है 550 फिफ्टी किलोमीटर्स मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक माधव नेशनल पार्क एंड मझेरा विलेज रिसेंटली एनजीटी या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने माधव नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में स्थित है यहाँ पे माइनिंग को हॉल्ट करने की बात की है क्योंकि ये एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है प्रीवियस एक सेशन में हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस किया था रिगार्डिंग ई एस जेड या इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन जो है ये बेसिकली ट्रांजिशन जोन होते हैं हाई प्रोटेक्टेड एरिया और लेसर प्रोटेक्टेड एरिया के बीच में यानी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये हाईली प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उससे और जो लेस प्रोटेक्टेड एरियाज है उसके पास थोड़ा सा दूर उसके बीच में जो एरिया है बीच का एरिया वो कहलाता है ट्रांजिशन जोन और इसी को कहते हैं इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन जो है ये शॉक ऑब्जॉर्वर होता है मतलब लेसर प्रोटेक्टेड एरिया में हमें पता है सारी तरीके की एक्टिविटीज चलती है कंस्ट्रक्शन से लेके एग्रीकल्चर सब कुछ चलता है और जो हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है वहां पे सब कुछ स्ट्रिक्टली फॉर्बिडन होता है तो बीच का जो एरिया है अगर उस ट्रांजिशन जोन को हम प्रोटेक्ट ना करें उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस ना डालें तो फिर धीरे धीरे तो जो प्रोटेक्टेड एरिया हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है उस पर भी असर पड़ने लगेगा बिल्कुल एडजेसेंट एरिया में अगर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है तो इसीलिए इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है वो नोटिफाई करती है इन सेंसिटिव जोन्स को रेगुलेट करने के लिए एनवायरनमेंट uh, मिनिस्ट्री जो है नई गाइडलाइंस uh, लेके आई इन द ईयर 2011। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इस एक्ट में इको सेंसिटिव जोन इसका मेंशन कहीं पे नहीं है लेकिन इसकी जो सेक्शन थ्री है उसमें ऐसा कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी एरियाज को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है जहां पे इंडस्ट्रीज ऑपरेशंस या Uh, किसी भी दूसरी तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैरी आउट नहीं की जानी चाहिए और अगर की भी जाती है तो उसमें सर्टन सेफ रहने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रोहिबिट करती है रिस्ट्रिक्ट करती है इंडस्ट्रीज uh, की लोकेशन को कि सर्टन एरियाज में ये इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकती एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया कि कितना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उस एरिया का कितना सेंसिटिव है वो एरिया उस एरिया में कॉन्सेंट पोल्यूटेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन की क्या लिमिट होनी चाहिए मैक्सिमम उससे ज्यादा यहाँ पे पोल्यूशन नहीं की जानी चाहिए यहाँ पे एनवायरमेंटली कंपैटिबल लैंड यूज हो अगर कोई एक्टिविटी चल भी रही है तो वो इको फ्रेंडली हो और ये सब एरियाज प्रोटेक्टेड एरियाज की प्रॉक्सिमिटी में ही रहते हैं तो यही सारी चीजें जो हैं वो सेक्शन थ्री के थ्रू डाली गई है इस एक्ट में लेकिन डायरेक्टली इको सेंसिटिव जोन इस वर्ड का इस रेस का मेंशन नहीं है अगर हम एक्सटेंट की बात करें तो इको सेंसिटिव जोन जो है वो 10 किलोमीटर तक के दायरे में जा सकता है प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर 10 किलोमीटर तक का एरिया ये वाइल्ड वा, लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी दो में इस बात की मैंशन की गई है ऑल्सो इको सेंसिटिव जोन में कितना एरिया आएगा उसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें एक यूनिफॉर्मिटी रहे प्रोटेक्टेड एरिया के पास आसपास जो एरिया है उसमें वेरिएबल विड्थ और एक्सटेंट के हिसाब से जितनी जरूरत है उतनी ही एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जा सकता है बाई द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री वापस आते हैं माधव नेशनल पार्क पे एस मैंशन अर्लिया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने डिसाइड किया है कि माधव नेशनल पार्क के जो इको सेंसिटिव जोन है ई एज वहां पे माइनिंग एक्टिविटीज को होल्ड करना होगा माधव नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में स्थित है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में ग्वालियर डिविजन में यहाँ पे इस नेशनल पार्क से दो हाईवे नेशनल हाईवे पास होती है एक है आगरा टू बॉम्बे और एक है झांसी टू शिवपुरी नेशनल uh, हाईवे 25 एंड नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे 27 पहले 25 था अभी इसे रीनेम कर दिया गया है ट्वेंटी एंड नेशनल हाईवे थ्री पार्क जो है इसे पहले 1956 में नोटिस किया गया एज शिवपुरी नेशनल पार्क फिर उसके बाद 1958 में इसे रीनेम किया गया एज माधव नेशनल पार्क आफ्टर माधव राव सिंधिया जो ग्वालियर के महाराजा थे सिंधिया डायनेस्टी जो है मराठास की उससे बिलोंग करते थे और उन्हीं के नाम पे पड़ा माधव नेशनल पार्क अर्लियर इट वॉज शिवपुरी नेशनल पार्क रिसेंटली एक uh, संख्या सागर एक मैन मेड है पार्क के अंदर ही माधव नेशनल पार्क के अंदर इस संख्या सागर को डेजिग्नेट किया गया है एज अ रामसार साइट रामसार uh, साइट्स के बारे में हमने बहुत बार कई बार डिस्कस किया है डिटेल में इस uh, नेशनल पार्क में कई सारे पॉन्ड्स हैं लार्जेस्ट बॉडी लेकिन जो है वो वाटर बॉडी सांख्या सागर ही है एक रिजर्वायर है जिसे माधवराव सिंधिया जी जो महाराजा थे उन्होंने ही कंस्ट्रक्ट किया था आ, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये कटिहार गिर ड्राई डेसीडियॉन फॉरेस्ट के इको रीजन में ये लोकेटेड है यहां पे फॉरेस्टेड हिल्स हैं फ्लैट ग्रास हैं शिवपुरी टाउन जो है मध्य प्रदेश की पहले समा कैपिटल कैपिटल हुआ करता था और सिंधिया महाराजा जो थे उज्जैन ग्वालियर के उनकी जो हंटिंग एरियाज थी यहीं पे थी जॉर्ज कैसल माधव नेशनल पार्क के अंदर ही एक हाईली एलिवेटेड एरिया में रीजन में एक कैसल को बनाया गया है जॉर्ज कैसल 1911 इलेवन में माधव राव सिंधिया जी ने इस कैसल को बनाया था एज इस हंटिंग पार्क जहां पे किंग जॉर्ज फाइव यूके के वो आके ओवरनाइट स्टे भी करते थे अगली जो चीज है वो है मझेरा विलेज मझेरा विलेज को भी आ, जो इको सेंसिटिव जोन में डालने की बात की गई है दूसरी कई विलेजेस को डालने की बात की जा रही है लेकिन यहाँ पे मझेरा इंपॉर्टेंट है मझेरा जो है ये उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है मझेरा को विलेज ऑफ विडोज भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मेल मेंबर्स की जो डेथ रेट है बहुत हाई है बिकॉज ऑफ सिलिकोसिस एंड ट्यूबिकलोसिस एक्चुअली मझेरा विलेज के पास ही स्टोन माइनिंग एरिया है और स्टोन माइनिंग यहाँ पे होती है इसीलिए सिलिकोसिस और टीबी इन दोनों डिजीज का यहाँ पे प्रकोप बहुत ज्यादा है एज ए रिजल्ट मेल मेंबर्स जो हैं वो बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाती है एंड दैट इज वाइट इज नोन एज दिलेज ऑफ विडोज मझेरा विलेज में एक ट्राइब है सहरिया ट्राइब ये बेसिकली एक पीवीटीजी है दैट इज पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हमें पता है इंडिया में 75 फाइव पीवीटीजी हैं तो ये सहरिया ट्राइब की 25 फैमिलीज इस विलेज में रहती हैं एंड दे आर वेरी मच वनरेबल एंड प्रोन टू दी एडवर्स एक्टिविटीज ऑफ माइनिंग तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए एनजीटी ने नोटिफाई किया है कि मजेरा विलेज को इको सेंसिटिव जोन में डाला जाएगा अगली टॉपिक है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को प्रेस किया है बिकॉज इट हैज रजिस्टर्ड अ डिक्लाइन इन फीमेल इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट या आई जो है वो 2019 में था 30 डेथ्स पर थाउजेंड लाइव बर्थ्स 2020 में वो कम होकर आ गया है 28 पे मतलब 1000 जो बच्चे हैं लाइव बर्थ्स उसमें 30 बच्चों की मौत हो जाती है रेशियो में और ये 2019 का फिगर है 2020 में ये 28 आ गया मतलब डिक्लाइन हुआ है विच इज अ गुड न्यूज इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट ये जो रिपोर्ट है 28 पर थाउजेंड लाइफ बर्थ ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट है और इसके अनुसार कंट्री की जो फीमेल इन्फेंट मार्टिलिटी रेट है इसमें गिरावट देखी गई है टू द सेम लेवल एज मेल्स लेकिन सोलर स्टेट्स में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है वो फीमेल बेबीज की ज्यादा देखी गई इन कंपैरिजन टू मेल्स लेकिन फिर से यहां पे एक गुड न्यूज है कि 2011 की तुलना में अभी 2020 तक आते आते ये जो रेट है वो कम हो गया है इन फीमेल्स है तो ज्यादा फीमेल बेबीज़ की डेथ इन कंपैरिजन टू मेन बट फिर भी जो रेट है वो कम हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आंदोलन जो एफर्ट है उसकी जो उसको सराहते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसी की वजह से और इन सारी दूसरी जो स्कीम्स है विच आर डेडिकेटेड फॉर वीमेन उसकी वजह से इन पैरामीटर्स में इम्प्रूवमेंट देखी गई है इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट जो अभी जिसकी बात हम कर रहे हैं इसे रिलीज करती है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है स्टैब्लिश किया गया था इंडिया नाइनटीन सिक्सटी वन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है और एनालाइज करती है डेमोग्राफिक सर्वेस के रिजल्ट को फॉर एग्जाम्पल सेंसस हो गया लिंग्विस्टिक सर्वे हो गया इन सब सर्वेज के रिजल्ट को ये एनालाइज uh, करती है और इन्हें कंडक्ट भी करती है यही रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट को निकालती है डेटा ने हाईलाइट किया है इसमें कि डिक्लाइन हुआ है इन दी अंडर फाइव चाइल्ड मोर्टलिटी रेट पहले था 35 डेथ्स पर थाउजेंड लाइफ बर्थ्स 2019 में वो कम होके हुआ है 32 डेथ्स पर थाउजेंड लाइफ बर्ड्स दैट इज अंडर फाइव चाइल्ड जो है मोर्टिलिटी रेट अंडर फाइव मोर्टिलिटी रेट फीमेल की जो है वो हायर है इन कंपेरिजन टू मेल्स हाएस्ट इक्लाइन देखा गया है अंडर फाइव मोर्टिलिटी रेट में उत्तर प्रदेश में उसके बाद कर्नाटका उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में हाइस्ट इक्लाइन मतलब सबसे कम डेथ्स हुए हैं विमेन फीमेल जो चाइल्ड है उनकी जिनकी एज पांच साल से कम है चाइल्ड मोर्टिलिटी मतलब जाहिर है पांच साल से कम उम्र वाले बच्चों को चाइल्ड मोर्टिलिटी कहते हैं इसे एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पर थाउजेंड लाइव बर्ड्स इसमें न्योनेटल मोर्टिलिटी और इन्फेंट मोर्टिलिटी भी आती है इन्फेंट मोर्टिलिटी एस मेन्शली इसमें भी कमी देखी गई है इन्फेंट मोर्टिलिटी मतलब ऐसे बच्चे जो मर जाते हैं बिफोर रीचिंग द एज ऑफ वन ईयर चाइल्ड मोर्टिलिटी पांच साल इन्फेंट मोर्टिलिटी वन ईयर ओके 2020 के की अगर हम बात करें तो कोई जेंडर डिफरेंस देखा नहीं गया है इन टर्म्स ऑफ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मेल में 28 फीमेल में 28 तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है वो वन ईयर के बच्चे जो पर थाउजेंड लाइव बर्थ्स में जिनकी डेथ हो जाती है नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट इसमें भी ड्रॉप देखने को मिला है 2019 में 22 डेथ्स होते थे पर थाउजेंड लाइव बर्ड्स 2020 में ये आते कम होके हो गए 20 न्योनीटल डेथ्स मतलब ब, जो एक का बच्चे की मृत्यु उसकी 28 दिन की एज से पहले हो जाती है वो बॉर्न हुआ उसके बाद 28 डेज तक की उम्र नहीं हो उसके पहले ही अगर डेथ हो गई तो न्योनीटल डेथ इसमें भी जो फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ पर live births, number of deaths during the first 28 days of life per थाउजेंड live births, इसके हिसाब से calculate किया जाता है तो child mortality पांच साल neonatal 28 दिन और infant mortality जो है वो एक साल इसमें इसे express किया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम इसका काफी ज्यादा इन्फ्लूंस रहा है और इसकी वजह से काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हम देख रहे, देख पा रहे हैं इन द मोर्टिलिटी रेट ऑफ children. की मतलब डिक्लाइन हुआ है इन दैट कॉन्टेक्स्ट 2015 में इसे लॉन्च किया गया था ये एक ट्राई मिनिस्टीरियल एफर्ट है मतलब तीन मिनिस्ट्रीज जो हैं एक साथ इसे चलाती हैं इम्प्लीमेंट करती हैं मिनिस्ट्री ऑफ है एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2021 से मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ऑनप्रनरशिप और मिनिस्ट्री ऑफ माइनट्री अफेयर्स भी इसके पार्टनर्स बन चुके हैं प्रोग्राम जो है ये बेसिकली फोकस करता है अवेयरनेस कैंपेन्स के ऊपर कि बेटियों को पढ़ाया जाए बेटियों को बचाया जाए क्योंकि हमें पता है इंडिया में फीमेल इन्फेंटिसाइड का जो मिनेस है वो काफी ज्यादा था चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो भी काफी लो uh, था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन की जाती है प्री बर्थ डिस्क्रिमिनेशन पोस्ट बर्थ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वेमेन एंड गर्ल्स इन टर्म्स ऑफ हेल्थ न्यूट्रिशन एज वेल एज एजुकेशनल नीड्स स्कीम का ऑब्जेक्टिव है जेंडर बेस्ड सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन गर्ल चाइल्ड की प्रोटेक्शन उसके सर्वाइवल एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड इंक्रीज गर्ल्स पार्टिसिपेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है उसकी इम्प्रूवमेंट हर साल बाई टू पॉइंट्स इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज प्रॉपर हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज हो नाइन्टी फाइव परसेंट से ज्यादा रेट हो इसका इंस्टिट्यूशनल डिलीवरीज का सेकेंडरी एजुकेशन में एनरोलमेंट हो वन परसेंट इंक्रीज एनरोलमेंट की हर साल विमेन की वेमेन uh, जो है गर्ल्स के अंदर जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं सेकेंडरी और हायर एजुकेशन लेवल्स पे हायर सेकेंडरी लेवल्स पे उसे स्टॉप किया जाए उसे चेक किया जाए और मैंसचुअल हाइजीन मैनेजमेंट सेफ मैंसुअल हाइजीन मैनेजमेंट के ऊपर अवेयरनेस रेज की जाए मूविंग टू टॉपिक बालकृष्णन पैनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक थ्री मेंबर कमीशन को फॉर्म किया है अंडर जस्टिस के जी बालकृष्णन ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पहले ये कमीशन ये एग्जामिन करेगी कि जो शेड्यूल कास्ट स्टेटस है एस सी स्टेटस क्या इसे उन दलित्स को अकॉर्ड किया जा सकता है जिन्होंने अपने रिलीजन को कन्वर्ट किया है ऐसे रिलीजन में जो सिखिज्म या बुद्धिज्म नहीं है सिखिज्म और बुद्धिज्म के के अलावा अगर किसी दूसरे रिलीजन में वो कन्वर्ट हुए हैं तो क्या वो अपनी ऐसे स्टेटस को एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं बेसिकली क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली कई सारी पिटीशन्स डाले गए हैं रिलेटेड टू रिजर्वेशन बेनिफिट्स दैट इज शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन बेनिफिट्स जो दलित्स हैं वो जो कन्वर्ट हो चुके हैं क्रिश्चियनिटी में या फिर इस्लाम में क्या उन्हें वो अपनी एससी स्टेटस को रिटेन कर सकते हैं कि नहीं अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रोविजन है देख लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 आर्टिकल 341 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यून उसके हिसाब से कोई भी पर्सन प्रोफेसिंग रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म सिखिज्म या बुद्धिज्म कैन बी अपोज टू बी अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट इस ऑर्डर के हिसाब से अगर कोई इंसान हिंदुज्म सिखिज्म और बुद्धिज्म इन तीन रिलीजन के अलावा किसी और रिलीजन को प्रोफेस कर रहे हैं तो उन्हें मना किया जा सकता है कि वो शेड्यूल कास्ट के मेंबर नहीं हैं। कालेकर पैनल कालेकर पैनल के रिकमेंडेशन पे ऑर्डर को फिर अमेंड किया गया 1956 में और इसमें सिखिज्म को भी ऐड किया गया और फिर से इसे आ, मतलब नाइनटीन नाइन्टी में आ, अमेंड करके बुद्धिज्म को ऐड किया सबसे पहले हिंदुइज्म था 56 में फिर सिख डाला गया फिर 1990s में बुद्धिस्ट तो हिंदू सिखिज्म बुद्धिज्म इन तीन रिलीजन के अलावा अगर कोई और रिलीजन प्रोफेस कर रहे हैं और वो दलित है तो शेड्यूल का स्टेटस उन, उन्हें ना दे जाने की प्रोविजन ये एक्ट देती है तो जो एक्टिविस्ट्स हैं उनका ये कहना है कि एक पर्सन को हम इसलिए पनिश नहीं कर सकते या डिप्राइव नहीं कर सकते बेस्ड ऑन हिज फेथ और फेथ uh, की क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है जो एक फंडामेंटल राइट right है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है रिलीजन आप कुछ भी प्रोफेस कर सकते हैं इसकी फ्रीडम है लेकिन वो कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन uh, को अगर हम प्रोफेस करते हैं तो इन दैट केस शेड्यूल कास्ट जो रिजर्वेशन है उसकी जो बेनिफिट है वो चली जाएगी ये दोनों कॉन्ट्रोडिक्टी है अकॉर्डिंग टू सम एक्टिविस्ट लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंटर का ये आर्ग्यूमेंट है कि ये इसीलिए कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है क्योंकि जो दलित हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में वो बैकवर्ड होने के लिए क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि अनटचेबिलिटी जो है वो हिस्टोरिकली हिंदू रिलीजन का ही फीचर है और हिंदुइज्म के जो ब्रांचेस हैं वहीं पे ये जो इविल सोशल प्रैक्टिस है वो प्रेविलेंट था तो इस्लाम और या फिर दूसरी क्रिश्चियनिटी यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम थी ही नहीं अनटचेबिलिटी की तो यहाँ पर इसी शेड्यूल कास्ट या रिजर्वेशन का बात फिर कहाँ से आता है तो ये एनी हाउ जो सी जी आई के जी बालाकृष्णन है वो ये कमीशन को हेड करे हैं और वही ये कमीशन अपनी रिपोर्ट देगी कि इसमें क्या कर सकते हैं आगे यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन 2007 में इस कमीशन ने रिपोर्ट दी थी कि रिकमेंड किया था कि शेड्यूल का स्टेटस को डीलिंक कर देना चाहिए रिलीजन से रिलीजन न्यूट्रल शेड्यूल ट्राइब्स की तरह है. जैसे कि शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो रिलीजन न्यूट्रल है किसी भी uh, अगर रिलीजन से बिलोंग करते हो क्रिश्चियनिटी हो इस्लाम हो हिंदू हो इस्लाम हो कोई भी हो लेकिन वो शेड्यूल ट्राइब जो है इस कैटेगरी में वो आ सकते हैं लेकिन शेड्यूल कास्ट्स में वो नहीं आ सकते हिन्दुआज्म बुद्धिज्म सिखिज्म सिर्फ यही लोग बिलोंग कर सकते हैं तो डीलिंक करने की जरूरत है ऐसी स्टेटस से ऐसा रंगनाथ मिश्रा कमीशन का रिकमेंडेशन था कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं आपको बताना है कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स नंबर वन क्लोर पैरिफोस इज वाइडली यूज इन फर्टिलाइजर्स एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द केमिकल इंडस्ट्री नंबर टू ऑपरेशन मेघ चक्र was for saving people in uttarakhand trapped in 2013 north indian floods number 3 sankhya sagar a man made reservoir within the madhav national park has been designated as a ramsar site number 4 balakrishna panel in its report recommended that scheduled caste status should be completely delinked from religion and be made religion neutral like scheduled tribes number 5 Light Combat Helicopter Prachand is the only attack helicopter in the world which can land and take off at an altitude of 10,000 meters with a considerable load of weapons and fuel. With this, we come to an end of this session. Thank you so much.